अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। उगादी उत्सव हिंदुओं का कोई त्यौहार आ रहा है, इसके अंदर जो ये करते हैं, अल्लाह जाने जो भी रस्में निभाते हैं या करते हैं, जो भी काम ये करते हैं वो इनके साथ है, लेकिन मुसलमानों से इन्हें इतनी एलर्जी क्यों हो रही है कि जहाँ भी कोई इनका त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ लेकर, जब तक इनकी रोटी हज़म नहीं होती इन लोगों की, जो कुछ शर पसंद हैं, जो कुछ जो हैं गलत ताकतों के अंदर और गलत ताकतों से जो है आगे चल रहे हैं और उनके बहकावे में आकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कहते हैं या करते हैं। कर्नाटक के अंदर आपने वीडियो देखी है, साफ तरीके पर देखा जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ पंपलेट लिखकर, कागज़ पर लिखकर, दुकान हर एक दुकान पर, दुकानदार पर हिंदू की ये कागज़ दिया जा रहा है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि तुम्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये करना है, वो क्या करना है, मैं आपसे बता रहा हूँ। थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। देखिए, हर इंसान एक सा नहीं होता है, हमारे यहाँ का माहौल, जो हमारे यहाँ के हिंदू लोग हैं उनका कुछ अलग रवैया रहता है और आप जिस जगह पर चले जाएंगे वहाँ पर अलग रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये माहौल का असर पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा अपने यहाँ पर गैर मुस्लिम हिंदुओं की औरतों को अपनी आँखों से देखा है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो प्रधानी पर जीत भी गए, उनकी बीवियों को मैंने पर्दे हिजाब यानी घूंघट से जाते हुए रास्ते में देखा कि वो अपने बदन को चेहरे तक को नहीं दिखाती हैं, क्योंकि माहौल का असर पड़ता है। अब वहाँ पर कर्नाटक में क्या माहौल है, नफ़रत है, कौन इनके अंदर जहर पिला रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इतनी नफ़रत हो गई है। ये कह रहे हैं कि हलाल चीज़ मत खाइए, मुसलमानों की दुकानों से जो ये गोश्त बेचते हैं हलाल, हलाल का मतलब मेरे भाइयों, आप तो मुसलमान हैं तो आप जानते होंगे, अगर गैर मुस्लिम हैं तो जान लीजिए कि उसके हलाल का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम लेकर उसको ज़िबा किया जाए और उसकी ख़ास रगें होती हैं उनको काटा जाए और उसके अंदर से जो है खून निकल जाता है, ताकि जो गंदा खून होता है वो उसके जिस्म में जो होता है रुकने से, फिर आपके पेट में जाने से नुकसान ना हो, इसलिए उसको काटा जाता है, ज़िबा किया जाता है इस तरीके से, हलाल तरीके से, ताकि पाक साफ़ रहे। तो आप ये बताइए, आप पाक साफ चीज़ खाने से क्यों मना किया जा रहा है कि मुसलमानों की, ये जो कागज़ बांटी जा रही है इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानों से गोश्त नहीं लेना है, मुसलमानों से हलाल मीट नहीं लेना है, इनका बायकॉट करना है। आप देख लीजिए, यानी पाक चीज़ को, पाक साफ चीज़ को खाने से इनकार कर रहे हैं, क्यों? नफ़रत एलर्जी सिर्फ आपसे मुसलमानों से है, और इसका वजह, उसकी वजह आप जानते हैं, कुफ्र और शिर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई बंटवारा नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई किसने किसी मुसलमान ने इन्हें गाली नहीं दी, मज़हब के बारे में गलत नहीं बोला, तो फिर खामा खा के नफ़रत क्या? आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं तो आप खुद अपना, किसी मुसलमान से आपको कोई ज़ाती एलर्जी है तो आप मत लीजिए वहाँ से जो आपको लेना है, लेकिन आप इस तरीके से करके दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरासर नफ़रत है और खामा खा के नफ़रत है, इससे कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान इस तरह होता है। क्योंकि एक मुल्क में जब कई तरीके के लोग रहने वाले होते हैं और आपस में नफ़रत में बटे हुए हों, तो उस मुल्क, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाता, वहाँ पर महंगाई ही होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं महंगाई मारा मारी है, और अभी और आप आगे देखेंगे, ऐसा नहीं है सिलेंडर के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, आप देखते रहिए, आप जितने भी अंधभक्त बनते रहेंगे इतने ही महंगाई बढ़ती रहेगी, और आप खुशी से उसे कबूल करते रहिए। आप तो, आपके पास पैसा होगा तो आप उस पैसे को खर्च करके महंगाई के अंदर आप खा सकते हैं, हो सकता किसी आपके पड़ोसी, वो गैर मुस्लिम हिंदू ही हो या किसी और बिरादरी से ताल्लुक़ रखता, उसके पास इतना पैसा नहीं हो कि इतना महंगी चीज़ ख़रीदे, इसलिए होश के नाखून ले, सही लोगों को चुना करें और सही बात किया करें, सही तरीके से चला करें। आपको जो करना अपने घर में खूब करिए, अपने जो मज़हब का आपका जो
त्यौहार है उसे आप अपने तरीके से मनाइए, दूसरे से मतलब क्या है। इसलिए आपसे भी गुजारिश ये है कि अगर कोई शर पसंद आपके ऊपर शरारत करने की कोशिश करता है तो आप जो हैं बिल्कुल जो अच्छा तरीका उस तरीके से जवाब दें, जो तरीका बताया गया है उस तरीके से जवाब दें, अच्छे तरीके से दिफा करें, उसे समझाएं, बताएं। क्योंकि मेरे साथ में मामला हुआ है, मैं YouTube पर वीडियो डालता हूँ आप देख रहे हैं, और कमेंट्स लोगों के बहुत आते हैं, इनमें से एक बहुत सारे गैर मुस्लिमों के भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लड़के लड़कियों के सबके आते हैं। लेकिन एक गैर मुस्लिम ने मुझसे सवाल किया, उसके अंदर तरह तरह की बातें उसने, बहुत नफरत भरी बातें मुझसे उसने की और सवालात किए, बिल्कुल ही उसको भी जहर पिलाया गया था। लेकिन जब मैंने उसे प्यार से समझाया ना, वाकई मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा भी दो चार दिन पहले का ही है, मैंने उसे समझाया तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया, यहाँ तक कि कुरान पढ़ने तक को वो तैयार हो गया। जी हाँ, कमेंट्स के अंदर ही मैंने ऐसी बातें उसको लिखी, प्यार से उसको समझाया, वो समझ गया, उसके जहन में जो खराबियाँ खुराफातें बताई गई थी उनको वो भूल गया, उसने फिर आगे कोई सवाल नहीं किया। मैंने उससे आखिर में कहा कि अगर तेरे पास जवाब हैं मेरे सवालों के तो बिल्कुल वीडियो कॉल करके आपको मैं जवाब दूंगा, प्यार मोहब्बत से बात होगी। तो उसने कोई जवाब नहीं आया, फिर अदब से एहतराम से बोलने लगा। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहें और जो भी अच्छा तरीका है उससे दिफा करें। आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।